हरे कृष्णा। द वेदिक के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं। और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। तो जैसा कि पिछले कई सारे वीडियोस में हमने मल्टीपल टाइम एक स्पेसिफिक मंथ के बारे में बात की है, जिसे हम कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास। जैसा कि हमने चतुर्मास में इसकी बात की थी और सावन 2 महीने का क्यों है ये वीडियो हमने बनाया था, जिसमें हमने अधिक मास की बात की थी। तो जानते हैं आज कि अधिक मास एक्चुअल में है क्या और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं और हमें ये कैसे पालन करना चाहिए। देखिए, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास तो ठीक है, परंतु अब इस महीने को या इस माह को मल मास नहीं कहा जाता। मल मास इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनाए जाने से पहले तक कहा जाता था, जिसकी कथा हम आगे सुनेंगे। महाराज कुलशेखर ने इस माह का वर्णन करते हुए बताया है कि किस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति हेतु ये मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी के साथ साथ वाल्मीकि जी बताते हैं कि किस प्रकार इस माह में की गई भक्ति का जो फल है वो 100 अश्वमेध यज्ञों से भी ज्यादा है। जब पांडव वनवास में गए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अधिक माह के महत्व को उन्हें समझाते हुए उन्हें अधिक मास का पालन करने के लिए या उसके व्रत का पालन करने के लिए कहा था। जब पांडवों ने उसे किया, तत्पश्चात वो युद्ध जीते तथा संपूर्ण सृष्टि के राजा बने। मास का वर्णन अलग अलग ग्रंथों में सूत गोस्वामी, नारद मुनि, चार कुमार, दुर्वासा ऋषि, वाल्मीकि जी तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनने तथा पढ़ने को मिलता है। तो देखिए बनता कैसे है। तो जो चंद्र और सूर्य की काल गणना होती है पंचांग के अनुसार, जो कि कैलकुलेशन तो मुझे अच्छे से नहीं आती, पर मुझे ये मालूम है कि जो 11 डेज का गैप होता है, ये 2 साल 4 महीने, 2 साल 9 महीने या 2 साल 10 महीने में रिपीट होता है, तभी ये अधिक मास हमारे पंचांग के कैलेंडर्स में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल के बीच में एक बार आता है। तो आइए अब बिना विलंब के जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में। देखिए, हमें पता है कि 12 माह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। हर माह का एक राशि प्रधान होती है और हर माह में सूर्य एक न एक राशि में प्रवेश करते हैं, उसी की वजह से वो राशि प्रधान होती है और काफी सारे मुहूर्त और काफी सारे शुभ कार्यों के दिन, इस तरह से पूरा पंचांग बनता है। परंतु जब अधिक मास आता है तो वो एक्स्ट्रा मंथ है, उसमें कोई राशि प्रधान नहीं है, इसीलिए अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते। तो जब सूर्य राशियों में प्रवेश नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार का मंगल नहीं दिखता है इस मंथ में या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं इस मंथ में। तो जब पौराणिक समय में ये मंथ आया करता था तो सभी ऋषि मुनि और देवी देवताओं ने इस मंथ को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि ये अमंगलकारी मंथ की तरह से जाना जाने लगा कि ये मल मास है, मतलब ये एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ना ही आप पूजा पाठ करते हैं, ना ही आप गृह प्रवेश विवाह करते हैं, ना ही कोई संस्कार होते हैं 16 में से, और ना ही इसमें कोई भी अच्छे दिन आते हैं, क्योंकि सूर्य ने किसी राशि में एंटर ही नहीं किया है। तो जब इस मंथ की जो देवी हैं, वो बहुत दुखी होकर विष्णु जी के पास पहुंची और उन्होंने कहा, भगवान इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे बनाया गया, मुझे कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मल मास के नाम से जाना जा की उपाधि दी जा रही है कि मैं मल के समान दूषित हूँ। तब श्री हरि गोलोक वृंदावन लेकर गए उस माह की देवी को। जब वो वहां पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इट्स ओके, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे माह में जो भी मेरी पूजा पाठ अपनी श्रद्धा के अनुसार करेगा, मेरे द्वारा दिए जाने वाले सभी अधिकार और आशीर्वाद तुम देने के लायक बनोगे। जो लोग तुम्हें पूछते नहीं है वो भी तुम्हारे माह में मेरी सबसे ज्यादा उपासना करेंगे, क्योंकि यही एक माह होगा जो मुझे पाने के लिए सबसे सरलतम उपाय बताया जाएगा। ये सुनकर अधिक मास की देवी खुश हो गई और तभी से हम अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपना नाम दिया, भगवान परम पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास, हम तब से इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। तो जैसा हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को या अधिक मास को ये गुण दिए या ये
कह सकते हैं हम आशीर्वाद दिया कि किस प्रकार उनके माह में तपस्या, पूजा पाठ, अर्चन तथा भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का ये सबसे सरल तरीका है भगवान श्री कृष्ण को पाने का। अब आते हैं हम इस टॉपिक पर कि इस मंथ में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो हमें भक्ति सारे ही महीनों में करनी चाहिए, पर इस महीने में स्पेसिफिकली किसी जलाशय में स्नान करने का अधिक महत्व है। मतलब अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी या जलाशय है तो आप उसमें स्नान करें। मंगला आरती जरूर अटेंड करें। भगवान के आसपास आपके जो भी कोई टेम्पल है उसमें मंगला आरती में भगवान के दर्शन पाने के लिए जरूर जाएं। इस मंथ में स्पेसिफिकली भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। आप सभी देवी देवताओं को पूजिए, पर स्पेसिफिकली भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि एक्सेप्ट की गई थी पुरुषोत्तम मास की देवी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इसके अलावा भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा करें, ज्यादा से ज्यादा नाम उच्चारण करें, श्रीमद् भागवतम का पठन, पाठन या श्रवण इस मंथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। इसीलिए आप सुनेंगे कि अधिक मास लगते ही बहुत सारी जगह पर भागवत जी की कथाएं की जाती है। ये इसीलिए की जाती है क्योंकि श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पाठन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। इसी के साथ अलग अलग प्रकार से भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार इस व्रत का पालन करते हैं। कोई भोजन छोड़कर, कोई एक समय भोजन करके, वो अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है, उसमें कोई ऐसा खास नियम नहीं है। उसी के साथ साथ क्योंकि ये सावन के दो माह के बीच में पड़ रहा है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें भी आप जो हरी लीफी वेजिटेबल्स हैं उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वर्षा ऋतु का समय है और लीफी वेजिटेबल्स में कीड़े आने का डर होता है, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं चतुर्मास की तरह। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कीर्तन करना, वैष्णव संग करना, झूठ न बोलना, क्रोध न करना, दान देना, ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करना, ग्रंथ पढ़ना, नाम उच्चारण करना और सरल जीवन व्यतीत करना, इन सभी तरह की तपस्याओं को अपनाते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने की तैयारी जरूर शुरू कर सकते हैं इस पुरुषोत्तम मास में। तो ये है पुरुषोत्तम मास का महत्व, जो हमने आपको कथा तथा सभी तरह की जो जानकारियां हमें है उसके अनुसार समझाने की कोशिश की। अगर आपका इसी सब्जेक्ट पे कोई क्वेश्चन है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उस पर अलग से रील भी क्रिएट कर देंगे या शॉर्ट भी क्रिएट कर देंगे, जिससे कि आपको आगे की भी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।